नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित 15वें राज्य वित्त आयोग की नगर निकायों के लिए स्वीकृत ग्रांट एवं कार्य योजनाओं पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए। नगर पालिका और नगर पंचायतों में सड़क, स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, ब्लॉकों, तहसीलों तथा अन्य सभी कार्यालयों तक आने जाने के रास्ते की मरम्मत एवं पानी की निकासी सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग ग्राउंड चिन्हित करने एवं बाउंड्री वॉल बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सामुदायिक शौचालय चालू अवस्था में हो और उनकी साफ सफाई भी सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं पर भी चाइनीज हाई मार्क्स लाइटों का प्रयोग किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि धनराशि स्वीकृत होने पर भी अभी तक कार्य न प्रारंभ करने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि एवं नगर विकास विभाग को कड़ी कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किए जाएं। बेसिकली बैठक 15वें वित्त के जो ग्रांट आती है नगर निकायों के लिए, उन सब की कार्ययोजना पे आज चर्चा हुई है और कार्ययोजना में कुछ कार्य पास किए गए हैं, तो उसी की बैठक थी और सभी नगर पालिका नगर पंचायत के उसमें माननीय चेयरमैन, माननीय अध्यक्ष और ईओ वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्हीं की आज स्वीकृति कार्रवाई की गई। नहीं, अभी ऐसा कोई कार्यक्रम आया नहीं है, बट कार्यक्रम संभावित जल्दी होना है, इतना जानकारी प्राप्त है। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।